छत्तीसगढ़ विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र 22 नवंबर यानी कल समाप्त हो गया। 3 दिवसीय सदन की कार्रवाई के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने करीब 13,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। पहले दिन भी विधानसभा के सभी सदस्य चुनावी तकरार भूलकर हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए थे। वहीं सदन की कार्रवाई के अंतिम दिन चरणदास महंत और अजय चंद्राकर के बीच जमकर हंसी ठिठोली देखने को मिली। कार्यवाही के दौरान पूरा सदन उस वक्त सन्न रह गया जब पूर्व स्पीकर चरणदास ने अपने अवैध संबंध का खुलासा कर दिया। दरअसल हुआ ये कि अजय चंद्राकर ने अपने संबोधन के बीच चरणदास महंत की चुटकी लेते हुए कहा कि आपसे तो हमेशा हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। इतना सुनते ही चरणदास महंत बोल पड़े, आपसे तो हमारे अवैध संबंध है। इधर चरणदास महंत का ये बोलना था और उधर पूरा सदन खिलखिलाहट से गूंज उठा। इससे पहले भूपेश बघेल के संबोधन के बीच अजय चंद्राकर ने टोकते हुए उन्हें कहा था कि जो भी हो 2.5 साल का किस्सा नहीं होगा। और इतना ही नहीं, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हराने वाले राजेश अग्रवाल ने भूपेश बघेल से ये कह दिया था कि मैंने तो आपकी मदद की है। और इतना सुनते ही सदन में ठहाके लगने लगे थे। अब चरणदास महंत के इस अवैध संबंध पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।